और कैसे हैं आप सभी लोग। तो वर्चा पार्टी वेट इज ओवर, आप लोग के सैंपल पेपर रिलीज हो चुके हैं, आप लोग को सभी लोगों को पता चल गया है। अब दीदी सैंपल पेपर तो रिलीज हो चुके हैं, अब हम लोग को क्या क्या सैंपल पेपर में करना है, पूरा सैंपल पेपर आप सॉल्व करवा दीजिए। समझ नहीं आ रहा है सैंपल पेपर, तो लो तुम्हारी दीदी आ चुकी है तुम्हारे साथ सैंपल पेपर का पूरा सॉल्यूशन और एनालाइज लेकर। ठीक है, हम लोग एनालिसिस करेंगे पूरे सैंपल पेपर को। ठीक है, तो ये इधर से तुम लोग को, ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से तुम लोग को सैंपल पेपर तुम डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ तुम अगर कुछ जाओगे तो इस टाइप से तुम लोग को सभी सब्जेक्ट्स खुल जाएंगे स्क्रीन पर, तो तुम लोग यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। मार्किंग स्कीम की भी बात करेंगे। ये रहा साइंस का सैंपल पेपर भाई साहब, तो बिल्कुल जितने आप एलिम क्वेश्चंस आ रहे हैं इतने कर कर जाना, क्या हमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये बिल्कुल भी कभी भी नहीं आएंगे। चलिए बात करते हैं अब हम लोग को साइंस का सैंपल पेपर की, हम लोग यहाँ बात करने वाले आज। तो सैंपल पेपर में साइंस की यार क्या रहने वाला है, तो बहुत ही ज्यादा चीजें रहने वाली, बिल्कुल ऐसे ही स्माइल करते हुए हम लोग को हमेशा सदा सेक्सी रहना है। ठीक है, साइंस के सैंपल पेपर की बात करो तो टोटल मार्क्स तुम लोग को 70 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, 3 घंटे का पेपर रहने वाला है, साथ ही साथ 5 सेक्शंस होंगे, मतलब सेक्शन ए से लेकर सेक्शन ई तक आप लोग के सेक्शंस यहाँ होंगे। अब सेक्शन ई तक है मतलब पांचों में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाएंगे तुमसे, साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 39 क्वेश्चंस तुम लोग से पूछे जाएंगे पूरे टोटल। अब मैं बात करूँ कि साइंस के पेपर में आप लोग के क्वेश्चन पेपर की, तो 5 सेक्शन है। अब मैंने इस यहाँ एक टेबल तुम लोग को दिखाई दे रही छोटी सी सिंपल सी, उसको मैंने 4 कॉलम में डिवाइड किया। एक पहला है कि सेक्शन, तो मैंने सभी में सेक्शन लिख दिए कि 5 सेक्शन है। हर सेक्शन में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, तो भैया वो लिख दिया हमने। अब वो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, कितने मार्क्स आप लोग के कंज्यूम कर रहे हैं, वो लिख दिया है हमने, और साथ ही साथ वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए। अगर तुम लोग ने वर्ड लिमिट बढ़ाई है सीबीएसई में, तो ये सोच लेना कि तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। तो प्लीज यार, पहले ही मार्क्स नहीं आते तो उल्टी नेगेटिव मार्किंग का करवाने जाएंगे, है ना। चलो चल, अब सेक्शन ए की बात करो तो सेक्शन ए में तुम लोग के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहेंगे। अब 20 में आप लोग की ये पूरा सेक्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आप लोग का रहेगा, और हर क्वेश्चन आप लोग का 1 मार्क्स का रहेगा। अब यार टिक द करेक्ट आंसर वाली चीज होती है, तो इसमें वर्ड लिमिट्स की तो कोई चीज है ही नहीं। अब यार देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इतने आसान नहीं हो सकते हैं कि आप लोग सोच लो कि ये 20 नंबर मेरे पूरे के पूरे सेव हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग ये सोच के चलो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट को डीप में समझा होना चाहिए, तभी जाके ये सभी मल्टीपल चॉइस तुम्हारे 20 में से 20 सही हो पाएंगे। अब प्रैक्टिस से तुम लोग को ये समझ में आ रहा है कि यार भैया बिल्कुल सैंपल पेपर तो इस तरीके से है कि प्रैक्टिस तो हमें बिल्कुल तगड़ी करनी है। किसी भी टॉपर से पूछोगे तो वो लोग बोलते हैं हमने 5 बार रिविजन किया था, 6 बार किया था। अब लेट्स टॉक अबाउट, अगर मैं बोलूँगी तुम लोग को प्रैक्टिस के साथ यार रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे तो कैसा रहेगा यार, है ना। तो हेयर वी गो। अगर आप लोग स्पेस एंथुसियास्ट में, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज में यूरो स्पेस सेंटर जाने का मौका मिल रहा है, तो क्या होगा, है ना, बढ़िया इंटरेस्टिंग से चीज। तो अनअकैडमी आप सभी बच्चों के लिए लेकर आया, अनअकैडमी नेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट ये होने वाला है हमारा 8 और 15 अक्टूबर को। तो वू कैन पार्टिसिपेट, क्लास 9 से लेकर 12 तक के सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, और हमारे सारे ड्रॉपर्स IIT JEE नीट के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। आप लोग को एक 60 मिनट का टेस्ट होगा जिसमें 60 ऑब्जेक्टिव आप लोग को पूछे जाएंगे। तो स्लीपर्स क्या रहने वाला है, तो आप लोग यहाँ डाउनलोड स्लीपर्स पर जाके इसका स्लीपर्स बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास 11 12th वाले बच्चे जो ह्यूमैनिटीज के और कॉमर्स के, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप लोग सारी चीजें इसमें मेंशन है, जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ कैसे बुक करना है आप लोग को, तो अपनी पर्सनल डिटेल्स मतलब नाम फिल करना है आप लोग का, बिल्कुल फोन नंबर फिल करना है, साथ ही साथ आप लोग का ईमेल डालना है। अब ये टेस्ट दोनों चीजों में कंडक्ट हो रहा है, मतलब बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन में कंडक्ट हो रहा है। तो आप लोग टेस्ट की डिटेल्स डाल सकते हैं कि कौन सी क्लास में ये चूज करना है, देन आप लोग को ऑफलाइन में देना है, ऑनलाइन में देना है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो आप लोग सिटी सेंटर सारी चीजें डिसाइड कर सकते हैं, और अपने प्रेफरेंस के हिसाब से डेट और टाइम भी डिसाइड कर सकते हैं। ये 99 का प्राइस, बिल्कुल आप लोग जब उसी कंटिन्यू टू पेमेंट करेंगे तो आप लोग को मेरा कोड डालना है सकीना, तो वो बिल्कुल 89 हो चुका होगा, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अरे अरे होल्ड ऑन, वी हैव अ मोर, लेट्स कम टू द रिवॉर्ड सेक्शन। अगर मैं रिवॉर्ड्स की बात करूँ तो आप लोग को यहाँ टॉप रैंकर्स जीत सकते हैं, 100% स्कॉलरशिप, एक्सक्लूसिव एक्सेस टू स्पेशल रैंकर ग्रुप व्हिच विल इंप्रूव योर चांसेस ऑफ रैंकिंग इन द टॉप 100 अंडर द गाइडेंस ऑफ टॉप एजुकेटर। साथ ही साथ कुछ लकी विनर्स को मिलेगा हमारा ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप टू यूरो स्पेस सेंटर भी मिल सकता है। तो जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो क्लिक ऑन द लिंक और सारी चीजें एक्सेस करो। चलिए आप लोग के साथ सेक्शन बी डिस्कस करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन या 6 है आप लोग के, और हर क्वेश्चन कितने नंबर कंज्यूम कर रहा है, 2 नंबर। तो आप लोग को अब इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर इसमें पूछे जाएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे इसमें। ठीक है, अब यहाँ आप लोग की वर्ड लिमिट दी कि आप लोग को 30 से 50 तक की वर्ड लिमिट है, मतलब 30 वर्ड से लेकर 50 आप लोग के वर्ड्स होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेक्शन सी की बात करूँ तो आप लोग के 7 क्वेश्चन होंगे, आप लोग का हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो ठीक है, 7 × 3 7 × 14 21, तो 21 के मार्क्स यहाँ
हो गए आप लोगों के, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट आंसर्स, ठीक है। आप लोगों के 50 से लेके 80 तक की वर्ड लिमिट होनी चाहिए, 50 से लेके 80 तक, ठीक है। सेक्शन डी पर आते हैं, तो यहाँ आप लोग के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 दिए गए हैं, साथ ही साथ इसकी वर्ड लिमिट है, आप लोग के मार्क्स इसमें 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 5 × 3 = 15, ये वाला सेक्शन 15 मार्क्स कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अब इसमें वर्ड लिमिट होगी 80 से 120, जैसे जैसे आप लोग का वेटेज बढ़ता जा रहा है मार्क्स का, वैसे वैसे वर्ड लिमिट्स भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप लोग के लिए सेक्शन ई में कवर किया जाएगा 3 क्वेश्चन, साथ ही साथ हर क्वेश्चन आप लोग के 4 नंबर का होगा, मतलब 4, 8, 12 मार्क्स ये कंज्यूम करेगा, ठीक है। अब मैं बात कर दूं कि जो आखिरी सेक्शन है ना, इसमें आप लोग के आएंगे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन सभी, मतलब ये लोग आप लोग की बिल्कुल थिंकिंग जानना चाहते हैं कि क्या तुम क्रैमिंग मतलब रट्टा तो नहीं मार कर आए हो, ठीक है। और इसमें सब पार्ट्स होते हैं, मतलब जैसे एक क्वेश्चन दे दिया मैं क्वेश्चन नंबर 1, तो इसका ए है, बी है, सी है और डी है, तो ये क्या होते हैं, इसके सब पार्ट्स होते हैं। अब आप लोग को समझ में आ गया, इसमें एमसीक्यूज आ रहे हैं, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर आ रहे हैं, इसमें शॉर्ट आंसर आ रहे हैं, इसमें लॉन्ग आंसर्स आएंगे और इसमें केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आई होप तुम लोग को पूरा पेपर पैटर्न एक ही वीडियो में यहाँ समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ था मैं साइंस का वीडियो, साइंस का मैं तुम लोग को प्रॉपर सॉल्यूशन लेकर आऊंगी कि पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ आज की क्लास में, तो आप लोग बिल्कुल आज की क्लास में आ सकते हैं। इसी तरीके से मैं तुम लोग के दूसरे भी सब्जेक्ट्स की बिल्कुल वीडियोस लेकर आऊंगी, तुम्हारे सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, साथ ही साथ कंप्लीट सॉल्यूशन भी हम लोग इसी बिल्कुल चैनल पर सॉल्व करने वाले। तो सब फटाफट से जाके सब्सक्राइब मार लो, बिकॉज बहुत काम आने वाला है। मारो यार, कंजूसी वंजूसी क्या दिखाना है, जल्दी से सब्सक्राइब मारो, बेल आइकन को प्रेस करो, इसी के साथ अपने सकीना दीदी के साथ जुड़ जाओ और हम लोग बिल्कुल सैंपल पेपर साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा सॉल्व करने वाले और इस बार फोड़ने वाले तुम्हारे बोर्ड 2023 में। सो बाय, सदा सेक्सी रहो मेरी जान, टेक केयर, लव यू ऑल।